दमन में लोकसभा चुनाव के पहले ईवीएम एवं वीवीपैट्स मशीन की तकनीकी जांच शुरू हो गई है। चुनाव आयोग के निर्देश पर दमन जिला प्रशासन ने आज से ईवीएम और वीवीपैट्स मशीन की कार्यदक्षता जांच शुरू कर दी है। उप कलेक्टर हरमिंदर सिंह ने आज मामलतदार सागर ठक्कर और इलेक्शन सेल के अधिकारियों के साथ लेकर पुलिस बंदोबस्त के बीच ईवीएम और वीवीपैट्स मशीन की तकनीकी जांच शुरू कराई। स्थानीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ईवीएम और वीवीपैट्स मशीन की तकनीकी जांच मुकम्मल करवाई जा रही है। डिप्टी कलेक्टर सह उप निर्वाचन अधिकारी हरमिंदर सिंह ने इस बाबत जानकारी देते हुए बताया कि राजनीतिक दलों को ईवीएम और वीवीपैट्स मशीन की तकनीकी जांच के बारे में सर्कुलर जारी करके बता दिया गया है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ईवीएम और वीवीपैट्स मशीन की तकनीकी जांच निपटाई जाएगी। मशीनों की जांच टेक्निकल इंजीनियर्स द्वारा प्रशासन की निगरानी में वीडियो रिकॉर्डिंग के बीच पूरी पारदर्शिता के साथ अंजाम दी जा रही है। फिलहाल हमारे यहाँ 225 बैलेट यूनिट, 165 कंट्रोल यूनिट, 136 वीवीपैट्स मौजूद है। हफ्ते भर में ईवीएम और वीवीपैट्स मशीन की कार्यदक्षता जांच निपटा लेने की कोशिश है। मालूम हो कि 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले इलेक्शन कमीशन चरणबद्ध तरीके से दमन दीव में ईवीएम और वीवीपैट्स मशीन की आपूर्ति कर रहा है। आज हमारे यहाँ पे फर्स्ट लेवल चेकिंग ऑफ ईवीएम एंड वीवीपैट का शुरू होने वाला है कार्यक्रम। उसमें क्या है कि जितने भी हमारे ईवीएम कंट्रोल यूनिट एंड वीवीपैट हैं वो सारे के सारे एक जगह पे लेके जाके पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव प्लस हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के रिप्रेजेंटेटिव प्लस ECIL है जो ये बैलेट यूनिट और ये सारी कंट्रोल यूनिट और इस तरह की चीज़ें बनाते हैं उनके तीन चार इंजीनियर हैं उनके, वो साथ में ये तीनों इकट्ठे बैठ के हर एक मशीन का चेकिंग करेंगे कि वो मशीन प्रॉपरली फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है। और ये जो सारा डेटा है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ शेयर किया जाएगा, उन्हीं की गाइडलाइंस के अंडर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और पूरा एरिया सैनिटाइज है, कोई भी अनऑथोराइज बंदा अंदर नहीं आ सकता विदाउट अथोराइजेशन। तो ऑलरेडी हमने पोलिटिकल पार्टी से उनको सर्कुलर निकाल के उनको इन्फॉर्म कर दिया है कि आप अपना यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आप डिप्यूट कर दीजिए। हमारे भी यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव डिप्यूट हो गए हैं और बाहर एक रजिस्टर रखा हुआ है, कोई भी बिना रजिस्टर एंट्री के अंदर नहीं जा सकता। पूरी इसकी वीडियोग्राफी होगी और ये सारा का सारा जो एक्सरसाइज है इसको अप्रॉक्सीमेटली एक हफ्ते के आसपास लग जाएगा, क्योंकि एक एक यूनिट को चेक करके उनका पूरी रिपोर्ट बना के और उसको अगर कोई मशीन ख़राब पाई जाती है तो अभी उसको रिप्लेसमेंट का प्रोसेस शुरू कर दिया है। टोटल जो हमारे बैलेट यूनिट हैं वो 225 हैं, कंट्रोल यूनिट हमारे 165 हैं और वीवीपैट हमारे 136 हैं। ये सारे के सारे हम अलग इकट्ठे लगा के चेक करेंगे सारे के सारे यूनिट। तो ये क्योंकि एक ही दिन में इतने सारे नहीं हो सकते तो इन फेस्ड मैनर हम एक हफ्ते के अंदर जहाँ जितने भी देर में मिनिमम पॉसिबल टाइम में हो सकता है हम करने की कोशिश करेंगे। जैसे सूट टाइप यू नो, मुझे ये ग्रीन या फिर ब्राउन। ठीक है, आप ये पैक कर दीजिए। सेब कितने का दिया? बच्चे को संतरा ही पसंद है, यही दे दीजिए। रुको, काश आपका होने वाला बच्चा आपको ये सब सलाह दे सकता। इसीलिए अगर आप माँ बनने वाली हैं, तो HIV टेस्ट जरूर करवाएं। बच्चे को HIV से बचाने के लिए जल्द ही पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है। करें वही जो बच्चे के लिए हो सही।
होटल रिवांटा, होटलों की दुनिया में एक अनोखा नाम, एन आइडियल डेस्टिनेशन फॉर ऑल योर कॉर्पोरेट एंड फैमिली स्टेज। We have aesthetically designed comfortable and unique interior in our rooms. We have aesthetically designed comfortable and unique interior in restaurant and party hall. लजीज व्यंजनों के शौकीनों के लिए हमारे पास है मल्टीपल कुजीन शेफ्स। आपको फैमिली फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना हो, बर्थडे मीटिंग्स या और कोई प्रोग्राम्स अरेंज करने हो या कंफर्टेबल स्टे करना हो तो बेस्ट ऑप्शन इज होटल रिवांटा। एक्सपीरियंस द न्यू लक्जरी विद कंफर्ट एंड क्वालिटी। होटल रिवांटा, 3 बत्ती देवका रोड, नानी दमन।